Hey guys, welcome back to the Chatpat Toy TV. मेरा नाम है रायन। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला था कि कम प्राइस में टैंक्स खरीदने के लिए, तो देखो गाइस मैंने दो टैंक्स खरीदे हैं और बहुत ही कम प्राइस में मिल रहे थे। ये टैंक का नाम है वॉर टैंक और भाई इसका नाम है M1A2 Abrams टैंक। तो चलो दोस्तों फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और इसकी अनबॉक्सिंग कराते हैं, दोनों के बीच में फाइट, देखते हैं कौन सी टैंक आज जीत पाती है। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, लेफ्ट साइड में यहाँ पर आपको एक छोटा सा बैग दिखाई देगा, बैग पर जैसे ही क्लिक करोगे वहां पर आपको इसका बाय लिंक मिल जाएगा। तो देखो बॉक्स के अंदर से बाहर मैंने इसको निकाल लिया है। यार एक बार इसका साइज तो देखो गाइस, कितनी ज्यादा बड़ी टैंक है। इस टैंक के अंदर एक प्रॉब्लम भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लास्ट तक जरूर से देखते रहना। टैंक को रखते हैं यार अपन साइड में। ये है इसका रिमोट, रिमोट का साइज भी देखो गाइस कितना ज्यादा बड़ा दे रखा है इन लोगों ने। ये जो रिमोट है 27 मेगाहर्ट्ज पर चलता है। यहाँ पर एक और बॉक्स है, इसके अंदर हमें इसकी बैटरी और चार्जर देखने को मिलती है। ये रहा इसका चार्जर और यहाँ पर हमें इस तरह की बैटरीज देखने को मिलती है, चार अलग अलग बॉक्स। देखो गाइस अपना फर्स्ट वाला जो टैंक था उसके मुकाबले में ये जो टैंक है थोड़ी सी छोटी नजर आ रही है मेरे को। तो चलो फटाफट से बॉक्स को मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ। आपने अभी तक चटपट टॉय टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके घंटी भी दबा देना। तो भाई ये देखो यहाँ पर है अपना टैंक। ओ माई गॉड यार इसके लुक्स तो देखो, बिल्कुल एक रियल टैंक की जैसा ही दिखाई दे रहा है। ओ भाई काफी ज्यादा तगड़ा नजर आ रहा है। इसको रखते हैं अपन साइड में और यहाँ पर है इसका रिमोट, रिमोट का भी साइज देखो गाइस कितना ज्यादा बड़ा दे रखा है इन लोगों ने। और इसके ऊपर बटन्स तो देखो भाई, बहुत सारे बटन्स दे रखे हैं इन लोगों ने। और यहाँ पर है इसका चार्जर और इसकी बैटरी। M1A2 टैंक वॉर टैंक के मुकाबले में बहुत ज्यादा बड़ा है और बहुत ज्यादा मोटा और तगड़ा बनाया गया है भाई साहब। इसका साइज तो देखो कितना ज्यादा बड़ा है। दोनों के कैनन में भी देखो गाइस इसका जो कैनन है बहुत ज्यादा बड़ा दे रखा है इन लोगों ने। ओवरऑल लुक्स के मामले में भाई ये अपना वॉर टैंक एकदम गजब का रियलिस्टिक दिखाई देता है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसका कैनन का, देखो गाइस इस तरह से हम लोग पूरी तरीके से टर्न कर सकते हैं 360 डिग्रीज। रिमोट से टर्न नहीं कर सकते हैं, सिर्फ हमें मैन्युअली ही टर्न करना पड़ता है अगर इसको टर्न करना चाहते हो। सामने की ओर यहाँ पर दो हेडलाइट्स दिए हुए हैं, पीछे यहाँ पे रिमोट का एंटीना दिया हुआ है। क्वालिटी ठीक ठाक सी है इसकी, इसके प्राइस रेंज के हिसाब से। पर इस टैंक के अंदर एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है, वो है नीचे की तरफ। देखो गाइस इसके अंदर कोई भी ट्रैक्स वगैरह इन लोगों ने दे नहीं रखा है। उसके प्लेस में यहाँ पर भाई इन लोगों ने फेक व्हील्स अटैच कर दिया है। इन लोगों ने बस देखो भाई एक कार बना दी है, कार के ऊपर ये जो है चिपका रखा है। ये पूरी तरीके से एक फेक टैंक ही मैं बोलूंगा। इन लोगों ने ये बहुत ही गलत काम कर रखा है यार इस टैंक के साथ। पीछे दो डबल ए बैटरीज डालनी पड़ती है, रिमोट के अंदर भी कंजूसी कर रखी है इन लोगों ने। 27 मेगाहर्ट्ज का रिमोट दिया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ एकदम प्रॉपर टैंक नजर आता है अपना वॉर टैंक। यहाँ पर लिखा भी है पावर टैंक बोलकर। इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है हम लोग पूरी तरीके से रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं, 360 डिग्री पूरी तरीके से घुमा भी सकते हैं। कैनन के अंदर भी देखो यहाँ पर लाइट्स वगैरह दे रखी है। नीचे देखो गाइस ये है एक प्रॉपर तरीके से ट्रैक, पूरी तरीके से रबर का ट्रैक है। सारे बटन किस तरह से यूज करना है मैं आपको बताऊंगा, वीडियो लास्ट तक जरूर से देखते रहना। यहाँ पर दो बैटरीज डालने के लिए कंपार्टमेंट भी दिया हुआ है। ओवरऑल अपना वॉर टैंक का रिमोट भाई यहाँ पे क्लियरली विनर है। दोस्तों मैं आ चुका हूं बाहर दोनों के बीच में फाइट कराने के लिए। देखते हैं गाइस बड़ी टैंक जीत पाती है या फिर अपनी छोटी वाली टैंक इसको हरा पाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं छोटी वाली टैंक से। तो भाई इसको देखो यहाँ पर मैं चला के आपको दिखा रहा हूँ रोड पर। काफी जबरदस्त इसका रिमोट है भाई, बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव रिमोट है। ये देखो बड़ी वाली टैंक यहाँ पर मैं आपको चला के बता रहा हूँ। ये भी जो टैंक है ना भाई कुछ कम नहीं है, रिमोट काफी ज्यादा बढ़िया है इसका। जैसे ही स्टार्ट होती है ना भाई एकदम से झटका मारने लगती है। देखो इस तरह से 360 डिग्री भी जबरदस्त तरीके से घूम जाती है। और ये दो ऊपर वाले बटन्स है, इसका ये जो सामने वाला नोजल है ना गाइस इसको टर्न करने में मदद करते हैं। और भाई जैसे ही ये फायर करती है देखो इसके अंदर बहुत सारे लाइट्स भी आ जाती है। हम इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, ऑफ करते समय भी इसके अंदर एक जबरदस्ती आवाज आती है। अभी ये बड़ी वाली टैंक के अंदर देखो गाइस इस तरह की साउंड हमें सुनने को मिलती है और बहुत ज्यादा लाउड, बहुत ज्यादा बड़ा वाला स्पीकर इन लोगों ने दे रखा है। अभी करते हैं दोनों टैंक्स के बीच में रेस, देखते हैं कौन सी टैंक यहाँ पर सबसे ज्यादा फास्टेस्ट तरीके से दौड़ पाती है। यहाँ पे सामने की ओर चल रही है अपनी बड़ी वाली टैंक, देखते हैं अपनी छोटी वाली टैंक इसको हरा पाती है कि नहीं। स्पीड के मामले में नहीं हरा पाएगी मेरे को ऐसा लग रहा है। बड़ी वाली टैंक बहुत ज्यादा स्पीड से दौड़ रही है, उसके पीछे पीछे आ रही है छोटी वाली टैंक। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि बड़ी वाली टैंक जो है बहुत ज्यादा पावरफुल, इसके अंदर मोटर लगाई गई है। यहाँ पे क्लियरली विनर है अपनी बड़ी वाली टैंक।
अभी करते हैं दोनों टैंक्स के बीच में पुशबैक, देखते हैं कौन सी टैंक सबसे ज्यादा जबरदस्त पावरफुल है। तो भाई यहाँ पे चलो स्टार्ट करते हैं। देखो दोनों के बीच में फाइट चालू हो चुकी है और अपनी छोटी वाली टैंक है ना भाई, एकदम इसको गुस्सा ही आ चुका है। देखो गाइस इसको पूरी पीछे तरीके से ढकेलने में कामयाब हो चुकी है। बड़ी वाली टैंक को कोई भी मौका यहाँ पे नहीं मिल रहा है छोटी वाली टैंक को हराने के लिए। क्लियरली विनर है अपनी छोटी वाली टैंक। वेट कैरी टेस्ट करा के देखते हैं। बड़ी वाली टैंक के ऊपर मैंने रख दी है छोटी वाली टैंक और अपनी बड़ी वाली टैंक जो है यहाँ पर चल पड़ी है। यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि इसकी स्पीड जो है ना थोड़ी सी कम हो चुकी है, बाकी देखो सही बैलेंस तरीके से इसको ऊपर बिठा कर लेके जा रही है। तो गाइस सेम टेस्ट करते हैं छोटी वाली टैंक के साथ। ओ माय गॉड, ये तो सीधा व्हीली मारने लग रही है भाई। देखो जरा बराबर भी बैलेंस नहीं कर पा रही है, बार बार बड़ी वाली टैंक को नीचे फेंक रही है। तो क्लियरली विनर है अपनी बड़ी वाली टैंक है यहाँ पर। दोस्तों अभी करते हैं दोनों टैंक्स के बीच में एकदम धमाकेदार चीज, वो है टग ऑफ वॉर। देखते हैं यहाँ पर कौन जीतेगा। ओ भाई देखो अपनी छोटी वाली टैंक ने तो भाई एकदम से व्हीली मार दिया है और इसको घसीट के लेके जा रही है। इस बड़ी वाली टैंक के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि भाई अपनी छोटी वाली टैंक जो है बार बार जीते ही जा रही है। दोनों टैंक्स को मैं 20 मिनट से भी ज्यादा समय से चला रहा था। अभी देखते हैं गाइस किसके अंदर बैटरी जल्दी से खत्म हो जाती है। ओ भाई अपनी छोटी वाली टैंक के अंदर बैटरी शायद खत्म ही हो चुकी है। वहीं पर अपनी बड़ी वाली टैंक देखो गाइस अभी भी चले जा रही है क्योंकि इसके अंदर व्हील्स दिए हुए, ज्यादा पावर की जरूरत इसको पड़ती नहीं है। यहाँ पे क्लियरली विनर है अपनी बड़ी वाली टैंक। तो बड़ी वाली टैंक देखो गाइस अभी भी चल रही है, मैं इसको यहाँ पर आपको चला के भी दिखा रहा हूँ। दोस्तों अभी करते हैं लाइट टेस्ट, देखते हैं किसके अंदर सबसे ज्यादा लाइट वगैरह दी गई है। रूम के अंदर मैं रोशनी बंद कर देता हूँ, देखते हैं। ओ भाई यहाँ पर देखो छोटी वाली टैंक के अंदर ऊपर भी लाइट्स दी गई है रेड कलर की और भाई इसके हेडलाइट्स तो बड़े ही ब्राइट है। ओ माय गॉड देखो गाइस कितनी ज्यादा ब्राइट है इसकी हेडलाइट। और भाई इसके नोजल के अंदर भी देखो यार इतनी जबरदस्त तरीके से इन लोगों ने लाइट दे रखी है और फायर करते समय भी इसके हेडलाइट काफी बढ़िया तरीके से दिखाई देते हैं। और भाई इसको हम पूरी तरीके से नाइट में और अंधेरे में भी जबरदस्त तरीके से चला सकते हैं। वहीं अपनी बड़ी वाली टैंक के अंदर देखो ये ऊपर सिर्फ 4 LED लाइट्स देखने को मिलती है और ये खतरनाक तरीके से चमचमा रही है। दोनों के बीच में ऑफ रोड टेस्ट करके भी देख लेते हैं ऑफ रोड में कौन अच्छी तरीके से चल पाता है। अपनी बड़ी वाली टैंक गाइस यहीं पर ही फंस गई है, आगे नहीं जा पा रही है। यहाँ पर देखो अपनी छोटी वाली टैंक तो भाई एकदम से दौड़ रही है ऑफ रोड में। भाई इसके अंदर ट्रैक्स लगे हुए हैं इस वजह से ये ऑफ रोड में जबरदस्त तरीके से चल सकती है। वेट पुल टेस्ट भी करके देख लेते हैं। बड़ी वाली टैंक के पीछे मैंने बांध दी है एकदम जबरदस्त वाली बिग फुट ट्रक। देखो यार अपनी बड़ी वाली टैंक कितना ज्यादा ट्राई कर रही है इसको खींचने के लिए पर इसे हो ही नहीं पा रहा है। देखो फुल पावर में भी मैं इसको चला के दिखा रहा हूँ पर ये खींच नहीं पा रही है। अभी सेम टेस्ट करते हैं अपनी छोटी वाली टैंक के साथ। देखो गाइस कितना ज्यादा छोटा सा साइज है इसका इतनी बड़ी ट्रक के सामने, देखते हैं इसको खींच पाती है कि नहीं। मेरे को नहीं लगता है खींचेगी। ओ भाई देखो गाइस यहाँ पर तो ये खींच रही है यार, मेरे को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी छोटी सी टैंक इतना ज्यादा वेट खींच सकती है। गाइस छोटी वाली टैंक के अंदर बैटरी तो बड़ी जल्दी खत्म हो रही थी तो यहाँ पे मैंने एक जुगाड़ लगाया। देखो इसके अंदर एक लिथियम आयन बैटरी लगा दी है और भाई अब बड़ी वाली टैंक के अंदर आप कोई भी बैटरी वगैरह अपग्रेड नहीं कर सकते हो, बैटरी खत्म होने पर दूसरी बैटरी आपको डालनी पड़ती है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको ये वाली टैंक पसंद है या फिर ये वाली टैंक, नीचे कमेंट करोगा इस फटाफट से अभी कभी। तो चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। सबसे पहला नाम आ जाता है अफनान, राम कुमार, साइरस, दीपक, शमीम अहमद, हसन रजा, ओम गोसाई, सोआम, मनोज कुमार, दीपेंदु। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शॉर्ट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट, कमेंट करने के बाद आपका नाम भी जरूर से टाइप कर देना दोस्तों ताकि मैं आपको ही शॉर्ट आउट दे सकूं। बाय दोस्तों।